हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी क्या है इन इकोनॉमिक्स। तो इन इकोनॉमिक्स रैशनैलिटी का मतलब होता है कि जो चॉइसेस हैं कंज्यूमर की, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इररिलेवेंट अल्टरनेटिव्स हैं, एंड आल्सो उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो वेल बिहेव्ड हैं। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट ऑफ इररिलेवेंट अल्टरनेटिव, इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे कंज्यूमर को एक कंजम्पशन बंडल चूज करना है फ्रॉम द सेट ऑफ दीज फोर कंजम्पशन बंडल X1, X2, X3, X4, और हम मान लेते हैं कि उस कंज्यूमर ने X1 चूज किया है। तो अगर हम इस कंजम्पशन बंडल में कुछ और बंडल्स ऐड करते हैं, जैसे कि X5, X6 एंड X7, तो ये पर्सन जो है वो उसकी चॉइस कही जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ इररिलेवेंट अल्टरनेटिव, अगर वो अब भी या तो X1 चूज करे या फिर जो एक्स्ट्रा बंडल्स हमने बाद में ऐड किए उनको चूज करे। अगर वो पर्सन X2, X3 और X4 को चूज करता है सेकंड केस में, तो हम कहेंगे कि वो पर्सन रैशनल नहीं है। अब हम समझते हैं कि वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। तो वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो है उसी बंडल को बार बार चुनेगा अगर एक सेट ऑफ अल्टरनेटिव हम उसके सामने बार बार रख रहे हैं। यानी कि अगर वो प्रेफर कर रहा है X1, X2 को ओवर Y1, Y2, तो चाहे जितनी बार ये दोनों बंडल साथ में आए, वो हर बार X1, X2 को प्रेफर करेगा। कब हम कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन है वो रेशनैलिटी को शो करेगा? तो अगर इस रिलेशन की तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये रैशनैलिटी को शो कर देगा। वो तीन प्रॉपर्टीज क्या हैं? कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी। थैंक यू।